मैं शुरू करता हूँ, ये हुआ कैसे। मैं एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में काम करता हूँ, जहाँ पर तकरीबन 40 फ्लोर हैं बिल्डिंग के, और वहाँ पर तकरीबन हर नेशनलिटी का आदमी होता है वहाँ पर। और हम वहाँ पर जो लिफ्ट्स हैं वो सब शेयर करते हैं, जो कॉमन स्पेसेस हैं वो शेयर करते हैं। और आपको नहीं पता चला कि 4,000 लोगों में से कोई एक आदमी वहाँ पर आ सकता है। द पीपल हु आर वॉचिंग मी, दे अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश और फ्रेंच। आई रिट्रांसलेट अगेन, बट लेट मी स्पीक इन उर्दू फर्स्ट। तो इसके सिम्टम्स मुझे लास्ट फ्राइडे को आए थे, और लास्ट फ्राइडे को मेरे जिस्म में थकन थी, थकावट थी। मैं ये समझा कि शायद ये रूटीन की थकावट है, मसल्स में पेन है, और ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, और इसको मैंने बड़ा लाइट लिया। और मैं समझ रहा था शायद ये काम ज़्यादा काम करने की वजह से जिस्म में दर्द हो रहा है। लेकिन सैटरडे मॉर्निंग मुझे शदीद खांसी शुरू हुई। खांसी के साथ मेरे पूरी जिस्म में मस्कुलर पेन था, यानी गर्दन में यहाँ से शुरू करके पाँव तक, और शदीद पेन, मतलब लाइक जिस तरह क्रैम्प्स होते हैं, और शदीद बुखार, लाइक 39-40 डिग्री टेम्परेचर। ये सबसे पहले सिम्टम्स होते हैं कोरोना के। और देन आई टुक माई फैमिली टू हॉस्पिटल एज वेल। दे चेक एवरीबडी, अलहमदुल्ला दे वर सेफ, एंड दे आस्क मी दैट यू आर इन्फेक्टेड बट स्टे एट होम, और अगर आपकी सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर आप एम्बुलेंस को कॉल करके हॉस्पिटल आ जाइए। तो सैटरडे मॉर्निंग ठीक गुजर गई, संडे का दिन ठीक गुजरा, लेकिन संडे की रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा खांसी शुरू हो गई, और बहुत ज़्यादा खांसी के साथ खून आना शुरू कर गया। तब मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, और एम्बुलेंस मुझे यहाँ पर ले गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों ने अलहमदिल्ला मुझे अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, और आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। आई जस्ट वॉन्ट शेयर लोगों के साथ कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि इसको आप बहुत सीरियस लें, ये मजाक नहीं है, दिस इज़ अ वेरी सीरियस वायरस। मैं फ्रांस में देख रहा हूँ, लोग इसको बड़ा सीरियस ले रहे हैं, और आज दोपहर 12 बजे के बाद सब लोग घरों पे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानी लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग घरों में रहें, घरों से बिल्कुल बाहर ना निकलें, लोगों से हाथ मिलाना बंद कर दें, लोगों से गले मिलना बंद कर दें, क्योंकि ये एक हमारा रवाज है कि हम गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। बराए मेहरबानी आप लोग फिलहाल ना करें, ये एक बहुत ज़रूरी प्रिकॉशनरी मेजर है। दूसरा ये कि आपके घर में जो अगर कोई काम करने वाली एड या कोई खातून या कोई आदमी अगर काम करने वाला घर में है, तो आप उसे विद पे लीव दे दें, क्योंकि अगर वो आपके घर के अलावा दूसरे घरों में भी काम करते हैं, तो वो एक घर से दूसरे घर में इन्फेक्शन ट्रांसफ़र कर सकती है खातून। तो आप उसे कह दें कि भाई आप 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए तनख्वाह आपकी ले लें, लेकिन घर पे आराम करें, खुद भी अपने घर की सफाई खुद करें, आप अपने घर को डिसइंफेक्ट खुद करें, और ये जो डिसइंफेक्शन वाले जेल्स वगैरह, इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। सिंपल ब्लीच को पानी में मिलाकर उससे अपने पूरे घर की सफाई करें, और ख़ुद करें, अपने घर वालों को, अपने घर की नॉब्स, अपने घर के दरवाज़े, और बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन जो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनसे तो बिल्कुल गुजारिश है कि घर पर रहें। अगर आप खुद बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में, तो
एक सेफ डिस्टेंस है 1.5 मीटर का, वो आप लोगों के साथ रखें और बिल्कुल एक दूसरे से करीब ना आए। कोई आपको ज़रूरत नहीं है हाथ मिलाने की, करीब आने की, और कोशिश ये करें कि क्लोज्ड स्पेस शेयर ना करें, यानी गाड़ी शेयर ना करें, लिफ्ट, क्योंकि जिस तरह मुझे शक है कि एक लिफ्ट से हुआ, लिफ्ट ना लें, और je vais traduire en français après. Merci Inda. Moi je vais traduire en français. Laisse-moi terminer en ourdou et je vais traduire tout ça.